विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो एग्जांपल है सॉल्व करना है, उसका वैल्यू और चेक भी करना है। तो गिवन एग्जांपल है n प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री इंटू एन प्लस फोर इंटू एन प्लस फाइव, जो न्यूमरेटर में है, डिवाइडेड बाय डिनोमेटर में क्या है, n माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री इंटू एन माइनस फोर इंटू एन माइनस फाइव इक्वल्स वन है। तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या होता है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ध्यान रहे n इज रियल नंबर, ठीक है। तो सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन में सबसे पहले देखो, अभी n प्लस टू न्यूमरेटर में देखो, n प्लस टू एन प्लस थ्री एन प्लस फोर एन प्लस फाइव, टू थ्री फोर फाइव है। तो हम क्या करेंगे, n प्लस टू और n प्लस फाइव वो दोनों जोड़ी करेंगे, n प्लस टू इंटू एन प्लस फाइव, नेक्स्ट एन प्लस थ्री इंटू एन प्लस फोर, या चल ठीक इसी तरह डिनोमीटर में भी एन माइनस टू एन माइनस फाइव जोड़ी करेंगे, एन माइनस टू इंटू एन माइनस फाइव टाइम्स एन माइनस थ्री इंटू एन माइनस फोर इज इक्वल्स टू वन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अभी इन दोनों में देखो, इन दोनों में बटरफ्लाई मेथड यूज करके मल्टीप्लिकेशन कर दो, नेक्स्ट इन दोनों में बटरफ्लाई मेथड यूज करके मल्टीप्लिकेशन करिए, डिवीजन में इन दोनों का बटरफ्लाई मेथड से मल्टीप्लिकेशन कर दो और इनका भी, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो, n प्लस टू इंटू एन प्लस फाइव, तो n इंटू एन एन स्क्वायर होता है, प्लस n इंटू फाइव फाइव एन, प्लस टू एन प्लस टेन, टू फाइव ज़ा टेन, ये हो गया इसका हो गया, ठीक है। एन प्लस टू इंटू एन प्लस फाइव का मल्टीप्लिकेशन, एन प्लस थ्री इंटू एन प्लस फोर का क्या होता है, एन स्क्वेयर प्लस फोर एन प्लस थ्री एन प्लस थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व, ठीक है। तो होल डिवाइडेड बाय एन माइनस टू एन माइनस फाइव का एन इंटू एन एन स्क्वेयर माइनस फाइव एन माइनस टू एन माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर टेन माइनस टू माइनस फाइव माइनस प्लस टेन, तो इंटू एन माइनस थ्री एन माइनस फोर में अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो एन स्क्वेयर माइनस फोर एन माइनस थ्री एन माइनस माइनस प्लस थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व इक्वल्स वन, ओके। तो यहाँ पर देखो, लाइक टर्म्स है फाइव एन टू एन, यहाँ पर लाइक टर्म्स है फोर एन थ्री एन, यहाँ पर लाइक टर्म्स है माइनस फाइव एन माइनस टू एन, यहाँ पर लाइक टर्म्स है माइनस फाइव एन माइनस थ्री एन। तो हम यहाँ पर प्लस करेंगे उसे एन स्क्वेयर, ये फाइव एन प्लस टू एन मीन्स सेवन एन आते, ये आगे का प्लस टेन एज यूजल मल्टीप्लाइड विथ एन स्क्वेयर आगे का, ये प्लस फोर एन प्लस थ्री एन मीन्स ये भी प्लस सेवन एन ही बनता है, ओके। लेकिन ये प्लस ट्वेल्व है, इस ट्वेल्व को मैं इस ट्वेल्व को टेन प्लस टू कर सकता हूँ, जरूर कर सकते हैं, इस ट्वेल्व को प्लस टेन प्लस टू करेंगे, ओके। ठीक इसी तरह डिवाइडेड बाय मैं यहाँ पर एन स्क्वेयर माइनस सेवन एन प्लस टेन एज यूजल, और यहाँ पर नीचे एन स्क्वेयर माइनस फोर एन माइनस थ्री एन मीन्स माइनस सेवन एन, और ये प्लस ट्वेल्व को ठीक इसी तरह अगर टेन प्लस टू किया तो यहाँ पर प्लस टेन प्लस टू हो जाएगा इज इक्वल्स टू वन, ठीक है। एन स्क्वेयर प्लस सेवन एन प्लस टेन यहाँ पर भी है, एन स्क्वेयर प्लस सेवन एन प्लस टेन यहाँ पर है, एन स्क्वेयर माइनस सेवन एन प्लस टेन इधर है, एन स्क्वेयर माइनस सेवन एन प्लस टेन है। तो हम ये एन स्क्वेयर प्लस सेवन एन प्लस टेन को हम सपोज एक्स समझ लेंगे, एक्स इक्वल्स एन स्क्वेयर प्लस सेवन एन प्लस टेन समझ लेंगे, और वाई के जगह में एन स्क्वेयर माइनस सेवन एन प्लस टेन रखेंगे। अगर हम ये वैल्यू हमें ये किया लेट किया तो यहाँ पर ये बनेगा एक्स इंटू एक्स प्लस टू, ठीक है। तब ये बनता है एक्स इंटू एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय ये बनता है तो y इंटू वाई प्लस टू,
इक्वल्स आगे का वन ऐसे चल। ठीक है, अभी यहाँ पर बटरफ्लाई मेथड से दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दो एक्स से, तो ये एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स बनता है डिवाइडेड बाई, यहाँ पर वाई से अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो वाई स्क्वेयर प्लस टू वाई बनता है इज इक्वल्स टू वन। तो ये वन को डिवाइडेड बाई वन कर दो और यहाँ पर दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर किया तब ये बनता है एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर प्लस टू वाई। ठीक है, तो ये वाई स्क्वेयर ये साइड में लो तो एक्स स्क्वेयर ये साइड में ले आया तो वाई स्क्वेयर माइनस हो जाएगा, ये प्लस टू एक्स या जो रहने दो ये माइनस टू वाई ये साइड में लाया तो माइनस टू वाई हो जाएगा इक्वल छः। तो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर में एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइ एक्स प्लस वाई। ठीक है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज किया तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई हो गया और प्लस यहाँ पर टू इसमें दोनों में है, यहाँ पर इसमें देखो टू दोनों में है तो टू कॉमन ले लो तो एक्स माइनस वाई यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा इक्वल जीरो। ठीक है, एक्स माइन यहाँ पर प्लस साइन है दोनों के बीच में, यहाँ पे इसमें इसमें दोनों के इसमें प्लस साइन है तो ये एक्स माइनस वाई है, ये एक्स माइनस सेम है तो एक्स माइनस वाई हम कॉमन लेंगे दोनों में तो रिमेनिंग रहेगा एक्स प्लस वाई इसमें और इसमें क्या प्लस टू रिमेनिंग रहेगा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स एक्स प्लस वाई प्लस टू ये दो यहाँ पर फैक्टर्स मिला जीरो का तो एक्स माइनस वाई इक्वल जीरो एक मिला, दूसरा क्या मिल रहा है एक्स प्लस वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो एक मिल रहा है। तो ये राइट साइड में अगर वाई लिया तो एक्स इक्वल्स वाई बनता है और यहाँ पर अगर ये दोनों राइट साइड में लिया तो एक्स इक्वल्स नेगेटिव वाई माइनस नेगेटिव टू बनते हैं तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव अगर कॉमन लिया तो वाई प्लस टू बनेगा। ठीक है, तो रिकॉल कर दो एक्स का वैल्यू, एक्स इज एन स्क्वायर प्लस सेवन एन प्लस टेन है तो हम यहाँ पर अगर एक्स का वैल्यू रिकॉल किया तो एक्स का वैल्यू एन स्क्वायर प्लस सेवन एन प्लस टेन इज इक्वल्स टू वाई, वाई इज एन स्क्वायर माइनस सेवन एन प्लस टेन। ठीक है, यहाँ पर ये राइट साइड लेफ्ट साइड में एन स्क्वायर है राइट साइड में एन स्क्वायर है तो ये दोनों कट हो जाएगा तो यहाँ पर प्लस टेन है यहाँ पर भी प्लस टेन है राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों प्लस प्लस है तो ये दोनों कट हो जाएगा रिमेनिंग रहेगा सेवन एन इक्वल्स माइनस सेवन एन। ठीक है, ये माइनस सेवन एन ये साइड में लाओ तो सेवन एन प्लस सेवन एन बनता है इज इक्वल टू जीरो, तो ये दोनों का समीशन अगर किया तो फोर्टीन एन इक्वल जीरो बनता है तो दोनों को अगर फोर्टीन से अगर डिवाइड किया तो फोर्टीन एन इक्वल जीरो, तो फोर्टीन से अगर डिवाइड किया दोनों तरफ तो ये दोनों कट हो जाएगा एन इक्वल्स जीरो आते हैं तो एन का वैल्यू हमें इससे मिल रहा है जीरो। तो यहाँ पर क्या आता है वो देखेंगे, यहाँ पर आ जाइए तो ये है एक्स इक्वल्स नेगेटिव टाइम्स वाई प्लस टू, तो एक्स का वैल्यू है एन स्क्वेयर प्लस सेवन एन प्लस टेन इज इक्वल्स टू नेगेटिव टाइम्स वाई इज एन स्क्वेयर माइनस सेवन एन प्लस टेन, ये प्लस टू एजल जो है वो रख दो तभी ये होता है एन स्क्वेयर प्लस सेवन एन प्लस टेन इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वेयर प्लस सेवन एन माइनस टेन माइनस टू। ठीक है, या प्लस एन सेवन एन है प्लस सेवन एन है वो दोनों निकल गया तो ये माइनस एन स्क्वायर ये साइड में लगा तो एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा ये भी ए एन स्क्वायर ये साइड में लगा तो प्लस एन स्क्वायर हो गया तो प्लस टेन यहाँ पर है इक्वल्स यहाँ पर तो दोनों आ गया ये माइनस ट्वेल्व आ जाएगा इधर दोनों का समीशन ये माइनस ट्वेल्व ये साइड में लाओ तो ये दोनों अगर समीशन किया तो टू एन स्क्वायर बनता है यहाँ पर प्लस टेन यहाँ पर ये ट्वेल्व ये साइड में लाया तो ये भी पॉजिटिव ट्वेल्व बनता है इक्वल जीरो तो टू एन स्क्वायर प्लस ट्वेंटी टू इक्वल जीरो टू कॉमन लो तो एन स्क्वेयर प्लस एलेवन इक्वल्स जीरो। ठीक है, तो दोनों तरफ अगर टू से डिवाइड किया तो ये दोनों कट हो जाएगा तो
तो हमें मिलेगा एन स्क्वेयर प्लस एलेवन इक्वल जीरो। तो ये राइट साइड में लाओ तो एन स्क्वेयर इक्वल्स नेगेटिव एलेवन बनता है। ठीक है, तो ध्यान रहे जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है कभी भी नेगेटिव नहीं रहता, तो इसलिए हम इसे रिजेक्ट करेंगे। और नहीं तो इसे स्क्वेयर रूट ले लो, दोनों तरफ अगर स्क्वेयर रूट ले लिया तो ये दोनों निकल जाएगा। तो एन इक्वल्स स्क्वेयर रूट एलेवन इंटू स्क्वेयर रूट माइनस वन आता है, तो माइनस स्क्वेयर रूट माइनस वन मीन्स आयोटा बनता है, तो स्क्वेयर रूट एलेवन इंटू आयोटा, वेयर आई इक्वल्स आयोटा, आयोटा मीन्स इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो ये हो गया, ये नो रियल सॉल्यूशन है, ये है नो रियल सॉल्यूशन। तो हमें तो चाहिए रियल सॉल्यूशन, तो इसलिए जो ये एक्स इक्वल्स माइनस ऑफ वाई प्लस टू जो है इसे हम रिजेक्ट करेंगे और ओनली इसे एक्सेप्ट करेंगे। तो इसे एक्सेप्ट करने के बाद हमें मिला एन का वैल्यू जीरो, ये है वैलिड सॉल्यूशन। तो एन का वैल्यू हमें मिला जीरो। ओके, चलिए गिवन इक्वेशन यही है, जहाँ भी एन दिख रहे तो हमें मिला एन का वैल्यू क्या मिला, जीरो मिला। जहाँ भी एन दिख रहे हैं वहाँ जीरो रखो, तो एन है यानी जीरो प्लस टू इंटू जीरो प्लस थ्री इंटू जीरो प्लस फोर इंटू जीरो प्लस फाइव होल डिवाइडेड बाय जीरो माइनस टू इंटू जीरो माइनस थ्री इंटू जीरो माइनस फोर इंटू जीरो माइनस फाइव इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क वन होते हैं, वन होना चाहिए, हो तो ही एन का वैल्यू वैल्यूड रहता है, नहीं तो नहीं रहता है। तो जीरो प्लस टू मीन्स टू ही बनता है इंटू जीरो प्लस थ्री मीन्स थ्री बनता है इंटू जीरो प्लस फोर मीन्स ओनली फोर बनता है इंटू जीरो प्लस फाइव मीन्स फाइव बनता है होल डिवाइडेड बाय माइनस टू इंटू माइनस थ्री इंटू माइनस फोर इंटू माइनस फाइव इक्वल्स क्वेश्चन मार्क वन। तो टू थ्री जर सिक्स, सिक्स फाइव जर थर्टी, थर्टी फोर जर वन ट्वेंटी। ठीक है, यहाँ पर वन ट्वेंटी बनते हैं होल डिवाइडेड बाय माइनस टू इंटू माइनस थ्री मीन्स प्लस सिक्स बनते हैं, माइनस फोर इंटू माइनस फाइव मीन्स प्लस ट्वेंटी बनता है इक्वल्स क्वेश्चन मार्क वन। तो वन ट्वेंटी ऊपर का तो है डिवाइडेड बाई नीचे भी सिक्स टू जर ट्वेल्व और जीरो इक्वल्स क्वेश्चन मार्क वन। यस, 120 डिवाइड बाई 120 मीन्स वन ही होते हैं, देयरफॉर वन इक्वल्स वन। तो ये ट्रू है, ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि LHS इक्वल्स RHS बन रहे हैं। ओके, देयरफॉर n इज इक्वल टू जीरो जो हमें मिला है, हमने सॉल्व करके निकाला है, ये है वैलिड सॉल्यूशन। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो और विजय मेहर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।